مد متصل مد منفصل مد لازم مد لين لازم مد آرس مد لين آرس बताओ रुकू में जाएंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, पूरा ध्यान करो ना। नमाज का एक तरीका होता है, जैसे कि हमने बयान किया कि भाई नियत बांधेंगे तो अल्लाह ऊपर कह के नियत बांध ली, उसके बाद इंसान क्या करता है, सना पढ़ता है, क्या पढ़ता है, फिर ताऊज़ तस्निया पढ़ता है, आउज़ बिल्ला और बिस्मिल्ला, हाँ, उसके बाद सूरह फातिहा अलहमद शरीफ पढ़ेगा, फिर उसके साथ कोई एक सूरत मिलाएगा, ठीक है। ऐसे पूरे मतलब ध्यान करने का एक तरीका होता है ना, इस तरीके से। हाँ, आगे आप बयान करें नमाज के तरीके, यहाँ से पहले पहले रुकन जाता है, सजदे से पहले रुकन की तस्बीह होती है। हाँ बताएं, ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تنوين كيف كتبت؟ دو زبر دو زبر دو فرش كتنوين كتبت جس عرف پر تنوين حسن الله كتبت اچھا یہ بتاؤ اگر دو زبر کی تنوین ہے ना, तो जबर की तनवीन आ जाती है तो किसका कायम मकाम रहेगा? मतलब क्या, अगर तनवीन है तनवीन और तनवीन किसके कायम मकाम रहेगी? किसका कायम मकाम होती है? इसमें कुछ हो रहा है, कोई कायम नहीं हो रहा है, कितने हैं मतलब? ग्रुप बता दीजिए कितना है और फोटो ज्यादा होने वाले ग्रुप कितना है? चार। पक्का के बाद ही छः।
ہے یہ بتا سکتے ہو کہ حروف میں ہلکے کیوں کر رہے ہیں اظہار ہے یہ اظہار حلق دیا ہے نا وہ ہوتا ہے اظہار شفوی ہے نا تو یہ اظہار ہے ایک اظہار حلقی ہوتا ہے ایک اظہار شفوی اظہار مطلب میں کسی کی ہوتی ہے اظہار حلقی کا تو بتا دیا تم نے کیونکہ حلق سے زیادہ ہوتا ہے حرکت کسے کہتے ہیں حرکات کس کو کہتے ہیں کیا ہے حرکات ہے حرکت ایک وہ ایک سے زیادہ ہو تو وہ حرکات ہو جائے جیسے کہ مثال دیں اس کی کوئی مثال دیں کوئی لفظ بتائیں پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ اس میں جو ہے واو لین ہو رہا ہے اور اس میں یا لین ہو رہا ہے جیسے کوئی پڑھ کے بتائیں ایک لفظ اوپر کھڑا سا ایسا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کیسے پڑھیں گے کون کون سے ہیں پڑھ کے بتاؤ جہاں یہ دیر رکھ دیے میں کیا ہو گیا یہاں پڑھا ہو جا دیر رکھ دیے یہاں تو اظہار ہو رہا ہے کھلنے کے ساتھ میں اب یہاں پہ میری بتا رہے کیا ہو رہا ہے نون اور تشدید دونوں جمع ہو جائے تو ساتھ ہی بسم الله الرحمن الرحيم
बताओ कौन सा कायद होना तुमने कितना पढ़ा है अभी? एक पारा भी पूरा नहीं है। पारा ही पूरा नहीं है। नहीं बैठ रहा हूँ। पढ़ लोगे? भीतर से भीतर ये बताना गलत क्या है। ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد तुमने सारे अपने फेवरेट सबक हैं जो तुम्हें बेहतरीन तरीके से याद है, एक एक सबक सुना जो तुम्हें सबसे बेहतरीन याद है, जो तुम्हें एतमाद है कि ये मुझे सबसे अच्छा याद है वो सुना। जैसे जैसे पढ़ा वैसे वैसे सुना। पहले ये बताओ ऐसे पढ़ा है फिर ऐसे सुना। الف زبر ق ق الف زبر ق لام زبر لا صول صود زين صي و الف ألف ألف سبع
زبر را ها را خدا جو تمہیں سب سے اچھا یاد ہے جہاں پہ جو تمہارا نام کیا ہے जो सबसे अच्छा याद हो कॉन्फिडेंस हो के सबसे बेहतरीन ये याद है वो सुनाना कैसे पता करेंगे कि सीन पढ़ा के स्वाद पढ़ के नहीं बताना कैसे पता करें पहचान क्या है कौन कौन से صفت کیا ہے پتہ حرف مستعلق ہمیشہ ہر حالت میں پوری انموٹا پڑھتے ہیں سمجھ میں ہے خود سودا غفن خود اور سواد کس میں سے ہے مستعلق سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھتا ہوں کسی سیٹی کے ساتھ جیسے زا می سی سواد ان کا حروف ہے سفیر لکھا جاتا ہے سفیر سیرا 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 سین میں ڈائریکٹ آواز آتی ہے سیرا اور سواد میں تھوڑا گھوم کے آواز آئے گی سیرا سیرا کھڑا زبر ہا يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كم كتاتا؟ كمان؟ बच्चों ने जब पढ़ा है ना हमने कवायद है वरना बता रहा हूँ मस्जिद के अंदर बैठे मोबाइल की बात नहीं है मुझे तकरीबन मदरसे के अंदर पढ़ते पढ़ते हुए 14 ये कर रखा है इसमें ग्रत भी कर रखा है और अंदर इस्लाम जो है वो कहते हैं सुन्नियत की जड़ है साल में वहाँ से मौल से भी काम मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं मस्जिदों के अंदर गया हूँ इतनी मस्जिदों के अंदर गया हूँ
जो इमाम देते हैं ना मना, जैसे इन बच्चों की अदायगी ना ऐसे उन इमाम की अदायगी है। इन बच्चों के अंदर इतनी काबिलियत है कि उस इमाम को पकड़ कर ये बाहर भेज सकते हैं, क्या पढ़ रहे हो तुम, ये देखो इन्होंने जो कवायद रटा है, ये एक फर्जी बात है। अगर ये कहते हैं कि भाई रट तो हर कोई लेता है, और हम भी इस बात को मानते हैं भाई तोते की तरह रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा तो तब होता है तब उसको जाहिर किया जाए। अब हमने दोनों तरीके से देखा, मैंने रटा है या फिर समझा है, तो रटने से तो इसमें पूरा रट लिया होगा इन्होंने, इस तरह भी पूछा है मैंने तो फौरन बता दें। जब कुरान से हमने पढ़वा कर देखा और कायदे पूछा है इनसे, जो अदायगी देखी है बस दिल खुश हो गया बच्चे की। मैं वल्ला बता रहा हूँ कि हमारे जो होते हैं कुछ ज़्यादातर जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और इमामत कर लेते हैं कि अदायगी नहीं मिली जैसे इन बच्चों की। और इस बच्चे ने कुरान बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन इसने कवायद में बहुत गड़बड़ी की, क्योंकि बता रहे हैं पढ़ाई छोड़ रखी, कवायद ऐसे रटते रहोगे इस्तेमाल करते रहोगे। कुरान सबने ही अच्छा पढ़ा है लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा लगा कुरान पढ़ने में, और अदायगी अदायगी सब की। मैंने एक चीज़ और देखी इनमें, कह देते हैं आजमाने के लिए कह देते, नहीं मैंने कहा है दो चार जगह कहा है मैंने ये गलत है, अलग सही हो हट गए गुथने के लिए तैयार हो गए, ये गलत हो ही नहीं सकता सही है, सही कैसे मैंने हवाला दो हवाला भी दिया इस तरह से, कहाँ पढ़ा यहाँ पढ़ा है, ऐसे भी देखा है। मेरा इरादा तो ये है हजरत से कहेंगे, पता नहीं हजरत का क्या दिमाग है क्या नहीं है, तो बात करते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बच्चे तुम्हारे घर पे घर हैं, अगर इस माहौल को देखा जाए ना, ये बच्चे थोड़ी देर के लिए आते होंगे पढ़ने के लिए फिर अपने घर चले जाते होंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो टाइम रहता है मदरसों का सब टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ तो बच्चे हर वक्त रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे एक साल में सीखते हैं ना मदरसे के अंदर, वो इन्होंने तीन महीने के अंदर सीख लिया हो जिस हिसाब से, अगर तुम इनको चाहो ना यहाँ भी, अभी पता नहीं है क्या हो, किताबें होती हैं ना इनको, किताबें अगर यहीं से पढ़ा दिया जाए ना तो ये घर बैठे आलिमा बन सकती हैं, और ऐसी आलिमा बन सकती हैं कि नाम में मेवात के अंदर तुम्हारा भी नाम रोशन कर सकती हैं, और जिसने पढ़ाया उनका नाम भी, क्योंकि इनके अंदर काबिलियत बहुत अच्छी है। दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा ये सनद अच्छे बच्चों के लिए दी नहीं जाती, और मैं तो हजरत से यही कह रहा था कि बच्चे हैं गांव के बच्चे, मैं यही सोच रहा था, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ इसमें झूठ की क्या भाई, गांव में जिस तरीके से पढ़ाते हैं मैंने वही होगा, सरसरी तौर पर पढ़ाते हैं गांव में, मैं बोल भी रहा था हजरत ने कहा भाई चेक, अब चेक कर लिया, अब हजरत के सामने देख लिया ना, और मुझे ये भी डर है कि मैं अगर इनके सामने पढ़ के दिखाऊँ ना कि मुझे भी टोक लेंगे क्या पढ़ रहा है, अगर मैं इनको पढ़ के दिखाऊँ, हालांकि मैं हाफिज़ हूँ कारी भी हूँ, अगर मैं इनको पढ़ के दिखाऊँ ना तो गफलत की वजह से कुछ गलतियाँ हो जाती है, टोक लेंगे मुझे, इतनी इनके अंदर वो और इनके जो कवायद रटाए गए हैं, देखो ये मैं लिख कर दे सकता हूँ कितना ही बड़ा आलिम हो, जो हम देख रहे हैं ना अपनी नज़रों के सामने, पर हम जानते हैं यार ये तो बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, बहुत बड़ा आलिम है, मैं लिख कर दे सकता हूँ जो ये रटाए ना इन्होंने, ये रटा इसके इनके जो कवायद है ना, इन कवायद के बगैर कोई भी आलिम नहीं हो सकता, अगर वो इन कवायद के खिलाफ कुरान पढ़ रहा है ना तो गुनाह कर रहा है, एक आयत पर पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, उसको नेकी नहीं बल्कि गुनाह मिलेगा अगर वो कवायद के तरीके से, क्योंकि हदीस है आप अलैहिस्सलाम की ज़य्यिनु ज़य्यिनुल कुरान के अस्वाद, कुरान को मुज़य्यन करो अपनी आवाज़ के जरिए, आवाज़ के जरिए मतलब एक अदायगी जिस तरह होती है, जो उसूल है कवायद उस तरीके से, मतलब ये है कि अगर थोड़ा भी जैसे जीम है, ये बच्चे जान रहे हैं, अब आपका तो हमें पता नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, जैसे जीम है अगर जीम को ही हमने जा पढ़ दिया, देखो हिंदी तो तुम सब पढ़े, हमने देखा एक सड़क वाला होता है सा, एक वो होता है जिसमें बीच में तरसूल जमा होता है, वो होता है सतकोण वाला बोलते हैं, एक होता है शलगम वाला, अब तीनों में तुम फर्क नहीं बता सकते, ये बच्चे बता देंगे, जो सड़क वाला होता है वो होता है छोटा सीन सा, और जो सलगम वाला होता है ना वो होता है बड़ा सीन, उनसे पूछ के देखें उनमें फर्क बता देंगे, सीन किसको कहते हैं, छोटा सीन को बताना कैसा होता है बताओ, सीन ये हो गया मकर, अदायगी करके बताओ जैसे पढ़ते हैं सीन,
ये हो गया सड़क वाला, अब देखना फर्क ही देखना तुम, और वो बड़ा सी दिख रहा है, एक होता है सीन एक होता है शीन, स्वाद और बताओ तीनों में फर्क है। यानी अगर हम इनमें फर्क नहीं करते ना तो मतलब तो ये कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ये मतलब है। मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर हम ऐन में फर्क नहीं करते तो मतलब ही बदल जाएगा, और मतलब ऐसा भी बदलता है कभी, जैसे खलाका अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसने पैदा किया, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं जैसे खलाका पढ़ा हमने तो उन पर तीनों पर जबर है तो उनको बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं बढ़ाते हैं। अगर अलिफ मद्दा लगा दिया हमने खलाका, अब खलाका का मतलब हो गया उसने पैदा किया, और अगर हमने खलाका पढ़ दिया ना उन दो ने पैदा किया, हो गया ना कुफर। हमारा अकीदा ये कि अल्लाह ताला सिर्फ एक है, उसी ने हमें पैदा किया। अगर हमने थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ दिया ना खलाका, तो गोया इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो पैदा किया वो एक नहीं बल्कि दो है, ये हो गया ना सिर्फ ईमान से खारिज हो गया, ये होता है। अब जैसे एक होता है छोटा काफ बड़ा काफ, एक होता है कल्ब, इसका मतलब पता है क्या, बड़े काफ के साथ पढ़ रहा हूँ, कल्ब का मतलब होता है दिल, दिल होता है। अगर हम इसी को छोटे काफ से पढ़ देते हैं कल्ब, कल्ब और कल्ब में फर्क दिख रहा है, तो अगर हम कल्ब पढ़ देते हैं इसका माना हो जाता है कुत्ता, एक तरफ छोटे काफ से कुत्ता माना हो रहा है, एक तरफ होता है दिल, ये होता है फर्क, ये इस चीज से आता है जो इन्होंने रटा है। मैं वल्ला बता रहा हूँ, मैंने बहुत देखा है, अपने गांव के अंदर भी देखा है, पढ़ा भी है, मामों के पीछे नमाज भी पढ़ी है, जिस तरह इन बच्चों की पैदाई देखी है मेवात के अंदर, ये फर्स्ट बच्चे देखे मैंने मस्जिदों के अंदर इस तरह की अदाई की, ये तो चार ही बच्चे हैं मेरे पास, बाकी उनका पता नहीं है, सभी ऐसे ही होंगे। मस्जिदों के अंदर ऐसी पढ़ाई नहीं होती है कहीं, तो मदरसे के अंदर जितना इन्होंने पढ़ाया ना 3 साल लगा देंगे मदरसे के अंदर, 3 साल में इनको करके दिखाएंगे। मैं पता है ना किस तरह उसूल से पढ़ाते हैं वो, उनका उसूल ये होता है, जैसे मदनी कायदा है, उन्होंने फिक्स कर लिया कि साल में हमें पढ़ाने 10 सफ़े, अब 10 सफ़ों को ही वो घसीटेंगे एक साल में, वो ऐसा नहीं हो ना, उनकी पूरी तरतीब रहती है, तमाम बच्चों को एक साथ रखते हैं, जैसे क्लास है 10 क्लास होती है स्कूल में, कभी दूसरी क्लास है तो इसमें हम 10 सफ़े ही पढ़ाएंगे, तो 10 सफ़े में एक साल गया, फिर 10 सफ़े में दूसरा साल गया, तीसरा गया, चौथे साल में पूरा करके दिखाएंगे वो इन्होंने मुख्तसर से टाइम में। कितने दिन से पढ़ रहे हो तुम? और एक और खसूसियत की बात बताऊँ, तुमने ये भी देखा होगा कि पहले बच्चे को कायदा पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाते हैं सल्लम बोलते हैं, जिसको सल्लम पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाते हैं सिपारा वगैरह, फिर कुरान देते हैं, कुरान के 2-3 पारे हिज करा के फिर कुरान देते हैं। इन बच्चों के अंदर इतनी काबिलियत है, ये पढ़ा है इन्होंने कुरान कहीं से पढ़वा देते, कहीं से भी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान भी ऐसा तो उंगली नहीं उठा सकते इनके, गाँव के अंदर ये पढ़ाई है जहाँ देखा है, बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह इन बच्चों को और आगे ऐसा तो बरामद कुरान कभी करा दिया हमें, ये कहेंगे कि उर्दू अरबी की छोटी छोटी किताब होती है वो भी पढ़ाओ, मसाइल पुख्त कराओ, और यहीं से सनद हो, और ऐसी सनद मिलेगी यहीं से, अगर इसी तरह मेहनत करते रहे कि इनको मेवात के अंदर आलिमा ऐसी पैदा होंगी कि इनको रोक नहीं सकता, कभी माँ बाप का नाम रोशन करेंगी, अपने उस्ताद का नाम रोशन करेंगी, ग्राम का नाम रोशन करेंगी। बहुत खुश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो तबीयत खुश हो गई बच्चों का सबक सुनकर, सही बात। 5 हो ना, 4 5 6 7 अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।